नमस्कार, DTW24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ काजल तिवारी। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में लग रहा है कि एनडीए के नेताओं से लोग काफी नाराज चल रहे हैं। दरअसल ऐसा ही एक नजारा महनार में देखने को मिला। आपको बता दें, वैशाली के महनार में जदयू विधायक उमेश सिंह कुशवाहा पहुंचे और उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। फिर क्या था, लोगों का गुस्सा चढ़ गया और लोग जमकर हंगामा करने लगे। लोगों का ये साफ कहना है कि जब जब चुनाव आता है तभी नेताओं को जनता की याद आती है, चुनाव के बाद वे कभी दिखाई नहीं देते हैं। वहीं लोग इतना आक्रोशित हो गए कि उन्होंने जदयू विधायक की गाड़ी को रोककर भदी भदी गालियां देना शुरू कर दी। स्थिति इतनी खराब हो गई कि जदयू विधायक को वहां से वापस जाना पड़ा। ऐसा ही एक मामला मधुबनी के चंपा में देखने को मिला। आपको बता दें, मधुबनी के चंपा में 32 लाख की लागत से निर्मित पीएचईडी के निर्मल नीर योजना के उद्घाटन करने पहुंचे मंत्री विनोद नारायण झा को भी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल वार्ड 2 में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप करीब 20 से 25 घरों में कनेक्शन नहीं दिया गया है। ग्रामीणों का कहना था कि पहले काम पूरा करें तब उद्घाटन करने दिया जाएगा। लोगों के आक्रोश को देखते हुए मंत्री विनोद नारायण झा युवाओं को आश्वासन देने लगे। उन्होंने कहा कि जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक उद्घाटन नहीं किया जाएगा, और फिर वे बिना उद्घाटन किए ही वहां से वापस चले गए। उद्घाटन से जरूरी है कि इन तीनों पंचायत को जो बिहार सरकार ने 15 करोड़ रुपया दिया है उसके लोगों को पानी पहुंचे, तो ये धरखड़ी जरूर हो गई कि आचार संहिता लगने वाला है तो आपको लगा। लेकिन हमको पता होता कि गांव में बहुत जगह नहीं लगा है तो हम अभी छोड़ देते इसको, इसीलिए आज उद्घाटन नहीं होगा। अब हम दोबारा आएंगे जब पूरा गांव का हर घर में नल लग जाएगा और हमको यहां से खबर जाएगी, यही नौजवान खबर करेंगे कि अब लग गया है। ये हमने अपने पैसे से कराया है, बिहार सरकार ये मुखिया हर गांव में मुखिया, बगल में जाइएगा परजुआर मुखिया कर रहा है, बगल उसके बगल में जाइएगा मुखिया कर रहा है, लेकिन हम ही बिहार सरकार का पैसा दिए हैं, इसलिए हमको बहुत दर्द है कि ये हर जगह लगेगा तभी करेंगे। इसलिए हम इन लोगों के बात का सपोर्ट करते हैं कि हर घर में जब नल लगेगा हो गया फाइनल। तो जाहिर सी बात है, एनडीए के नेताओं को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब चुनाव के वक्त लोगों का रुख क्या होगा ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल, बिहार और देश के तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।